आज हम बात करेंगे कि रिश्ते क्यों खराब होते हैं। ठीक है, रिश्ते क्यों खराब होते हैं। मैंने आज सुबह इस चीज के बारे में सोचा, और अगर आज का आप अपना माइंड सेट क्लियर कर दोगे, सब लोग कहते हैं पलक मेरी जिंदगी में खुशियां लेके आई है, सब लोग कहते हो कि पलक तूने मेरी लाइफ चेंज की है, मैं कहती हूं मैंने आपके लिए कभी चाय का कप भी नहीं बनाया है, राइट। सो सब कुछ आपके सामने था, सब कुछ आपके दिमाग में था, मुझे सिर्फ थोड़ा सा क्लियर करना था, वही मैं कर रही हूं कि रिश्ते क्यों खराब होते हैं। पहली चीज, रिश्ते इसलिए खराब होते हैं जब हम एक इंसान के अंदर पूरा पैकेज ढूंढते हैं। ठीक है, पूरा पैकेज। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी लाइफ से बताती हूं ताकि आप लोग उसे रिलेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मम्मी कहीं पर भी बिजी हो, किसी के घर सेलिब्रेशन करने गई हो, किसी के घर अफसोस करने गई हो, मम्मा हमेशा मेरा फोन उठाती हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी मुसीबत में हूं, सबसे पहले मम्मा को फोन करना है। और जो मेरे पापा हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, कैसे हो, कभी इधर मीटिंग है, कभी उधर मीटिंग है। मेरे पापा का क्या फायदा है कि मैं उनसे, जैसे मैंने कोई नई चीज शुरू करनी है बिजनेस के अंदर के, पापा मैं ये सोच रही हूँ कि ये शुरू करूं, तो पापा मेरे को वो एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। अब इमेजिन करो मैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ और मुझे अपनी माँ को फोन करा पापा को, और पापा ने फोन नहीं उठाया, और मैं उनसे लड़ने लग गई कि पापा आप क्या टाइम से मेरा फोन नहीं उठा सकते थे। नो गाइस, मुझे पता है कि पापा कंसिस्टेंसी कमिट नहीं कर सकते हैं। सेम आपकी लाइफ में भी होता है कि आप किसी की जिंदगी में क्या ऑफर करते हो। एग्जाम्पल, मेरी को खुद पता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। अगर आप मुसीबत में हो या मेरी फैमिली मेंबर्स मुसीबत में है, मुझे फोन करेंगे, मैं नहीं उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरी लाइफ के अंदर, अगर मैं बिजी हूं किसी चीज के अंदर, मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता है, मैं फोन से बहुत दूर रहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई लो फील कर रहा है, मम्मा पल्लवी मेरी सिस्टर मेरी बहन सब लोग जो मेरे रिश्ते हैं वो लोग लो फील कर रहे हैं, जिंदगी में कोई डाउट है, तो मैं उनकी स्पिरिट अपलिफ्ट कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट। तो सबसे पहला कारण है, जब औरतें हैं ना, औरतें वो ज्यादा लड़ती हैं आदमियों से। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक आदमी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो आदमी को पता है कि मेरा ये फ्रेंड ये ऑफर करेगा, ये फ्रेंड ये ऑफर करेगा, और जो औरत है वो सब कुछ अपने पति के अंदर ढूंढती है, सब कुछ। वो कंसिस्टेंट भी हो, वो लॉयल भी हो, वो आपको आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड भी ऊपर करे, इसका मतलब आपको आगे आगे लाइफ को लेके भी जाए, आपको अच्छे गिफ्ट्स भी दे। गाइस, आप लोग एक ही आदमी से सब कुछ कैसे ढूंढ सकते हो? ठीक है, इसी कारण ये है कि डिवोर्स क्यों होते हैं। डिवोर्स इसलिए होते हैं, और किस टाइम पे आपको डिवोर्स लेना चाहिए, अगर आपको एक आदमी से 5 से 6 चीजें मिल रही हैं, 4 चीजें नहीं भी मिल रही हैं, यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट। कभी भी आप भी किसी इंसान को पूरी चीजें ऑफर नहीं कर सकते हो, ना ही कोई इंसान आपको पूरी चीजें ऑफर कर सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटीज में जाओ। जब रिसर्चर्स ने वर्ल्ड में कुछ जोन्स हैं, उनको कहते हैं ब्लू जोन्स, वहां पे लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, बहुत लंबा जीते हैं। उन्होंने देखा कि जब ये लोग लंबा जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उनका डाइट तो है ही है, उनका लाइफस्टाइल तो है ही है, बट एक सबसे बड़ा कारण सामने आया कि ये लोग एक स्ट्रांग कम्युनिटी में रहते हैं। सो मेरी औरतों को ये एडवाइस है, सब कुछ अपने आदमी के अंदर मत ढूंढो, प्लीज जाके बाहर भी रिश्ते बनाओ, आपको पता होना चाहिए क्या इंसान कुछ ऑफर कर रहा है। दूसरी चीज, इंसान आपको अगर आप कई बार, मैं दूसरी साइड पे ले आती हूँ, दूसरी साइड पे ये है कि ये जो प्यार है ना, प्यार, जेलसी, हेट्रेड, एम्पथी, सिंपथी, ये इस दुनिया में राउंड है। राउंड का मतलब ये है, आपने किसी को इतना प्यार दिखाया, 100 गुना होके आपके पास वापस आएगा, बट गलती कहाँ हो जाती है, हो सकता है उस इंसान से वापस ना आए, ठीक है, बट वापस तो आना ही आना है, और एम्पलीफाई होके आना है, इसको कर्म कहते हैं, कर्मा, ठीक है। और अगर आपने किसी को जेलसी करी, किसी को बिना बताए उसका बुरा कर दिया, वो एम्पलीफाई होके वापस आना ही आना है। हर इंसान जो आपकी जिंदगी में जुड़ता है वो 2 ही कारणों जुड़ता है। पहला कारण है सीजन की तरह वो आता है, वो किसी ना किसी सीजन या रीजन की तरह आता है, किसी ना किसी कारण आता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक आदमी है, ठीक है, वो पैसे कमाता है, घर पे औरत पे जुल्म करता है, औरत को सेम इक्वालिटी नहीं देता है,
औरत को नीचे समझता है, औरत को प्यार नहीं करता है, ठीक है, बड़ा वो है कि यार मैं डोमिनेंट हूं घर पे, औरत की बैंड बजा के रखता है, तो कोई ना कोई, जरूरी नहीं है उसकी औरत, कोई ना कोई उसको ये सब वापस देने वाला है एम्पलीफाई करके। और अगर वही औरत अपने आदमी को प्यार करती जा रही है अनकंडीशनली विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो प्यार वापस आएगा, पता नहीं किस रूप में आएगा, पर गाइस वो वापस आएगा। दिस इज द लव हेट्रेड, सारी फीलिंग्स सर्कल में आती हैं, बस फर्क ये है सर्कल में जब आप देते हो पतली लाइन होती है, जब आपको वापस मिलता है, बट गलती कहाँ हो जाती है, हम उस इंसान से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वही इंसान हमें प्यार वापस देगा, वो नहीं देगा। आपको अपना कर्म करना है, वो अपना कर्म करेगा। रिश्ते इसलिए टूटते हैं, सबसे बड़ा कारण है, जब हम एक इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कई बार। और इसका उल्टा साइड पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आप कहते हो यार वो इंसान मुझे बार बार इग्नोर कर रहा है, पता है क्यों इग्नोर कर रहा है, आप उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो। मैं कड़वा सच आप लोगों को बता रही हूं, आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हो, आप लोग अपने आप को प्यार करते हो। मैंने आपको आपका रियल चेहरा दिखाया, जिस दिन मैं भी इस चैनल पे सब कुछ देना बंद कर दूंगी आप लोग मुझे भी भूल जाओगे, दिस इज द रियलिटी। और मुझे पता है ये चीज, इसीलिए मैं रिश्ते नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी किसी को बहन नहीं कहा, किसी को ये नहीं बोला कि मेरा इसके साथ, सिवाय एक रिश्ते के, मैंने सिर्फ पिंकी माँ को रिश्ता दिया है और मैंने कभी किसी को रिश्ता नहीं दिया, क्योंकि जब वहां से, क्योंकि शी इज द ओनली लेडी जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी, मैंने ओवर 3000 कंसल्टेशन दी हैं, जिन्होंने मुझे सिर्फ प्यार करने के लिए कंसल्टेशन ली थी, अपना कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो वो पता नहीं मैंने किसको प्यार दिखाया था, तो प्यार मेरी फॉर्म में आ गया। कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, जब तक नहीं है, जब तक आप उनको जिंदगी में, ये रियलिटी है, जिस दिन आप, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपको कोई पूछता नहीं है, साफ ये बात है आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करते हो जो कि उसको, उसकी जिंदगी में आप कुछ भी नहीं दे रहे उसको, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था आज का लेसन, जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे इससे, ये इंसान से ये चीज नहीं मिलने वाली है, तो फिर बार बार आप उससे उस चीज के लिए लड़ाई करोगे, उस चीज के लिए नाराज होगे, तो आपकी गलती है, आपकी गलती है कि आप क्यों उससे नाराज हो रहे हैं, जब आपको पता है कि वो आपको ये चीज ऑफर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपने, जरूरी नहीं है कि आप हर इंसान जो आपसे जुड़ा है आप पूरी जिंदगी उसको लेके चलो, इंसान किसी कारण जुड़ता है, आप सोचो क्या कारण था, मेरा वो कारण हो गया, या तो आपको प्यार देने आया था, खत्म हो गया, या वो आगे मूव ऑन हो गया, आप मूव ऑन हो गए, आपने डिसाइड किया मूव ऑन करना, बट गाइज उस इंसान जो वो आपको वो ऑफर कर ही नहीं रहा था, प्लीज उससे वो एक्सपेक्ट मत करो। रिलेशनशिप्स कभी खराब नहीं होंगे, कभी टूटेंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कौन किस चीज के लिए है। और जिस इंसान से भी आप जुड़े हुए हो, मेरी लास्ट लाइन है, उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन करो। हम लोग भगवान को पता इतना क्यों पूछते हैं, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये चाहिए, ठीक है। भगवान अगर ये बोलेगा तू मेरा बच्चा है, अच्छा मैं तेरा बच्चा हूं, मुझे तो नहीं मिला ये सब, हम भगवान से भी मांगने ही जाते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो थैंक यू करने आते हैं, 10 में से हर नौवां इंसान इस दुनिया में भूखा है ना, हम कितनी बार थैंक यू करते हैं भगवान को, मांगते जरूर है। तो इसीलिए जब हमारा रिश्ता भगवान से भी ऐसा है, तो आप लोगों को भी देना तो पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला आपको इग्नोर करेगा। सो गाइज आज का यही था, वन वॉज एक्सपेक्टेशन एंड दूसरा था दैट यू एक्सपेक्ट कि वही इंसान आपको प्यार देगा, प्यार आपको मिल जाएगा, लव आपको मिल जाएगा, किसी और फॉर्म में मिल जाएगा, वो इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो प्यार आपने दिखाया है ना। अगर आप सड़क पे चलते हुए एक इंसान को भी, सड़क पे चलते हुए एक डॉग को भी प्यार दिखाओगे ना किसी रूप में वो वापस आना ही आना है। ये मुझसे सीख लो, मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना। अभी हम वंडर वुमन मीट करी तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि मैंने दिलजीत दोसांझ का भी ये प्रोग्राम करवाया यहाँ पे, मैम मैंने इतना पागलपन नहीं देखा, मैम इतना प्यार करते हैं आपको लोग, ये क्या है, कौन हो आप। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगी, वो अपनी वाइफ की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे, कहता मैम मैं सिक्योरिटी कंपनी का मालिक हूँ, पंजाब की भाई सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, इतना प्यार दिलजीत दोसांझ को भी मिलता है, कौन हो आप। मैंने कुछ नहीं है, हो सकता
सकता है कि आज से 10 साल पहले जब मैं रिफ्यूजीज को प्यार कर रही थी जो सीरिया से अफगानिस्तान से यहाँ पे आए थे, वो प्यार आपके रूप में मुझे वापस मिल रहा है। दैट्स इट वापस आएगा, हेट्रेड भी वापस आएगी, सब कुछ वापस आएगा। धोखा दे रहे हो किसी को, 10 गुना बढ़ के वापस आएगा। रेडी रहना, ठीक है।